हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका वे टू जॉब्स यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आपको बता दूं कि जिन्होंने पहली बार इस चैनल को देखा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और लाइक और शेयर भी कर दें। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नॉलेज, MCQs ऑन कंप्यूटर नॉलेज। जितने भी हमारे JKSSB के एग्ज़ाम हैं और सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम हैं, बैंकिंग के एग्ज़ाम हैं, इंश्योरेंसेस के एग्ज़ाम हैं, उनमें ये कंप्यूटर नॉलेज अक्सर पूछी जाती है, 10 नंबर की, 15-20 नंबर की। तो आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं कंप्यूटर नॉलेज के। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर? तो इसका आंसर है चार्ल्स बबेज। नेक्स्ट, What was the name of the first computer designed by Charles Babbage? तो जो चार्ल्स बबेज ने पहला कंप्यूटर डिज़ाइन किया था उसका क्या नाम था? और इसका आंसर है डिफरेंस इंजन। नेक्स्ट, which was the first commercial computer? फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था? और इसका सही आंसर है फ्रेंटी मार्क 1। नेक्स्ट, which generation of computer used CD-ROM for the first time? कौन सी जनरेशन है जिसने CD-ROM फर्स्ट टाइम इस्तेमाल की थी? वो है 5th generation कंप्यूटर। नेक्स्ट, फ्रॉम विच जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज एस्टेब्लिश्ड? जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कौन सी जनरेशन में इस्टेब्लिश्ड किया गया था? इसका राइट आंसर है 3rd। नेक्स्ट, वट इज द डेट वेन बबेज कंसीव्ड एन इलेक्ट्रिकल इंजन? तो इस डेट का बता देते हैं, इसका सही आंसर है 1837। नेक्स्ट, ए बाइट कंसिस्ट ऑफ, तो बाइट जो है वो कितने की बनती है? 8 bits। नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर्स एज स्विचिंग डिवाइसेस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर्स? माइक्रो प्रोसेसर्स हैं ये एज ए स्विचिंग डिवाइसेस कौन सी जनरेशन के लिए थे? इसका सही आंसर है 4th generation। नेक्स्ट, डिवाइसेस दैट अलाउ यू टू पुट इंफॉर्मेशन इनटू कंप्यूटर, उसको क्या बोलते हैं? इनपुट। नेक्स्ट, अ टर्म यूज्ड टू डिफाइन ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस इन कंप्यूटर सिस्टम इज, उसको क्या बोलते हैं? हार्डवेयर। नेक्स्ट, द मोस्ट वाइडली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस इज द, ज़्यादातर इस्तेमाल होता है इनपुट डिवाइस कौन सा है? कीबोर्ड। नेक्स्ट, द डिजिटल सिस्टम यूजुअली ऑपरेट्स ऑन डैश सिस्टम, डिजिटल सिस्टम है ये ज़्यादातर किस पर ऑपरेट होता है? बाइनरी सिस्टम में। इसका राइट आंसर है बाइनरी। द टू काइंड्स ऑफ मेमोरी आर, मेमोरी हमारी कितनी टाइप की होती है कंप्यूटर में? और इसका आंसर है रोम एंड रैम, टू टाइप्स की मेमोरी, रोम एंड रैम। नेक्स्ट, द ALU ऑफ कंप्यूटर रिस्पॉन्स टू द कमांड्स कमिंग फ्रॉम, ये किसकी कमांड को रिस्पॉन्ड करता है? ALU ऑफ कंप्यूटर रिस्पॉन्स टू द कमांड्स कमिंग फ्रॉम, कहाँ से आती हैं ये कमांड्स? कंट्रोल सेक्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वाज, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है मेन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में वो कौन सा था? और इसका आंसर है वैक्यूम ट्यूब्स एंड वाल्व्स। नेक्स्ट, विच स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो किस में स्टोर किया जा सकता है? इसका सही आंसर है हार्ड डिस्क। नेक्स्ट, बैकस वॉज द फर्स्ट, क्या था बैकस? मैकेनिकल कैलकुलेटर। नेक्स्ट, विच इज़ यूज्ड एज ए प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस जो है किसको कहा जाता है? मैग्नेटिक ड्रम। नेक्स्ट, विच इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर कौन सा है? डेस्कटॉप। नेक्स्ट,
विच इज़ द फर्स्ट कंप्यूटर इन इंडिया, इंडिया में फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा था, HEC 2M, H2M बोल सकते हैं। नेक्स्ट, द डिजिटल कंप्यूटर एक्सेप्ट डैश डाटा एज इनपुट, जो कंप्यूटर है हमारा वो डाटा को जब एक्सेप्ट करता है तो किस चीज़ में करता है, उसको बोलते हैं बाइनरी, बाइनरी सिस्टम में इनपुट लेता है। नेक्स्ट, द फर्स्ट कंप्यूटर मेड अवेलेबल फॉर कमर्शियल यूज़, कमर्शियल यूज़ के लिए फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा अवेलेबल था, और इसका सही आंसर है यूनिवैक। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड, जो फाइल्स हैं जो ट्रांसफ़र होती हैं इंटरनेट से हमारे कंप्यूटर पे, उसको बोलते हैं डाउनलोडिंग, दैट इज़ द आंसर। नेक्स्ट, द लैंग्वेज विच प्रोवाइड्स बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर वेब पेजेस इज नोन एज, उसको बोलते हैं HTML। नेक्स्ट, विच इज़ ए रीड ओनली मेमोरी स्टोरेज डिवाइस, उस डिवाइस को क्या बोलते हैं हम, CD-ROM। नेक्स्ट, विच कनेक्ट द कंप्यूटर टू ए टेलीफोन लाइन, कंप्यूटर को जो है कौन कनेक्ट करता है टेलीफोन लाइन से, उसको बोलते हैं मॉडम। इफ़ ए फाइल हैज़ अ बैक एक्सटेंशन इट रेफर्स यूजली, उसको बोलते हैं बैकअप फाइल। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क, उसको क्या बोलते हैं हम, स्पैम। नेक्स्ट, द स्मॉल यूनिट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर इज, स्मॉल यूनिट जो है कंप्यूटर का उसको क्या बोलते हैं, बिट। और हमारा लास्ट आ गया क्वेश्चन, अब जंक ईमेल इज ऑल्सो नोन एज, जंक ईमेल को क्या बोलते हैं हम, और उसका आंसर है स्पैम। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल अगर पहली बार आए हैं आप तो इसे सब्सक्राइब कर दें। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, तो अगली वीडियो के लिए जल्दी मिलते हैं, टिल देन गुड बाय।